नमस्कार, शुभ 24 न्यूज रफ्तार मीडिया से आज मैं आपके साथ कोमल शेखावत और आज हमारे साथ है जयपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी से संजय जैन जी। नमस्कार संजय जैन। नमस्ते। चुनावी माहौल आ चुका है, चुनाव आने वाले हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप एक टोंग प्रभारी भी हैं, उसमें आप लोगों से बात भी करते हैं, लोगों की क्या राय है बीजेपी को लेकर? देखिये, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। चुनाव को लेकर आज जो आपने मुझसे बात की है तो निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी की बात आपसे करूंगा, लेकिन एक चैनल के नाते जब आपने मुझसे आम जन के बारे में भी पूछा है तो मैं निश्चित रूप से पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी आपसे इस विषय में बात कर सकता हूं कि पिछला 5 साल राजस्थान के अंदर जिस कांग्रेस की सरकार ने राज किया, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार जो 5 साल तक लगातार राजस्थान के अंदर राज करती रही, मैंने आप ही के चैनल पर एक बार पहले भी कहा कि यह सरकार राजस्थान की जन भावनाओं के अनुरूप से अपना काम नहीं कर पाई। इस सरकार के पास के अंदर राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य बच गया था, बड़ा राज्य, जहाँ कांग्रेस रूलिंग पार्टी के अंदर राज कर रही थी। पूरे देश के अंदर कांग्रेस के अंदर अनेक क्राइसिस रहे, कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा बिखराव रहा और अनेक राज्यों के अंदर उसके नेताओं के अंदर आपसी लड़ाई के नाते उनकी सरकारें लगातार टूटती रही। तो इस राजस्थान की सरकार के पास तो बड़ा काम ये रह गया कि उन सब सरकारों को सेव करना और उन सब सरकारों के विधायक को यहाँ पर लाकर जयपुर राजस्थान के अंदर बाड़ेबंदी कर उन सबको सरकारों को बचाने का काम कर इन सरकार के पास में रह गया। और धीरे 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 जब चलने आगे तो अशोक जी गहलोत को कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना भी तय कर दिया। वो इसी बात का द्योतक था कि कांग्रेस के पास के अंदर कांग्रेस को बचाने वाला कोई दूसरा नेता नजर नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर अशोक जी गहलोत का ध्यान राजस्थान के स्थान के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को बचाने में चले गया और जनता ने जिस अपेक्षा के साथ में उनको वोट दिया वो अपेक्षाएं कहीं पूरी होती हुई नजर नहीं आई। राजस्थान लगातार जिस प्रकार भ्रष्टाचार के अंदर अनेक बड़े उदाहरण हमारे सामने आए, वो भ्रष्टाचार के विषय रोज चलते रहे, युवाओं से जुड़े चाहे पेपर लीक का मामला रहा, अनेक पेपर लीक ऐसे होकर लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में करने का काम भी सरकार ने किया। महिला उत्पीड़न को लेकर पर डे जब हम अखबार पढ़ते हैं तो कोई ना कोई महिला उत्पीड़न का रोज हमारे सामने एक नया केस सामने होता है। तो जहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं, युवा का भविष्य सुरक्षित नहीं, राजस्थान की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ आपको वोट दिया वो सब अपेक्षाएं आपसे पूरी नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि सरकार का भविष्य तो आने वाले चुनाव के अंदर इन सब मापदंडों के आधार के ऊपर भी स्पष्ट रूप से नजर आएगा। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर राज किया, उस दौरान जितनी बड़ी योजनाएं बनी थी जो जन भावनाओं को ध्यान रखकर बनाई गई, जैसे पहली भामाशाह योजना, उस भामाशाह योजना को चिरंजीवी योजना में बदलना, अन्नपूर्णा योजना को इंदिरा गांधी रसोई में बदलना, कुल मिलाकर वसुंधरा जी की सरकार की बड़ी योजनाएं जिनसे आम जन को राहत मिल रही थी उन्हीं को एक नया चोला पहनाकर जनता के सामने उसको दिग्भ्रमित करके एक नए तरीके से पेश करने का प्रयास किया गया। वहां तक भी ठीक, आप उसका नाम बदलो, उसको नाम को बदलकर उसके आधार पर काम करने का प्रयास करो, वहां तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन नाम बदलने के साथ आप उसके अनुसार काम नहीं कर पाओ। भामाशाह के दौरान जिस प्रकार से आम आदमी को जितनी बड़ी राहत हॉस्पिटल में जाने के बाद में मिलती थी उतनी बड़ी चिरंजीवी के नाम से नहीं मिलती। चिरंजीवी योजना का बीमा का क्लेम 25 लाख तक जरूर चले गया, लेकिन जब हम आम हॉस्पिटल में जाते हैं, आम आदमी को जब देखते हैं उस इलाज के दौरान, तो उस इलाज के दौरान एक बड़ी दवाइयों की एक सूची ऐसी पेशेंट के हाथ में पकड़ दी जाती है कि ये सब चिरंजीवी योजना के अंदर क्लेम के अंदर नहीं आती हैं, आप इन सब चीज़ों को बाहर से ले आइए। तो ऐसे में गरीब आदमी बेचारा जो उस चिरंजीवी योजना के माध्यम से किसी हॉस्पिटल में चले गया और अपना इलाज जब वहाँ पर पूरा नहीं करा पाएगा तो उसके ऊपर क्या बीती है वो जान सकता है। ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी योजनाओं के आधार के ऊपर जनता के साथ छलावा भी किया गया। रही बिजली की बात, पूरे 4.5 साल तक आपने राजस्थान के उपभोक्ता को, बिजली के उपभोक्ता को जिस कदर परेशान किया कि उसको बिजली का स्विच ऑन करने के अंदर डर लगने लग गया, आपने बिजली के पैसे को इस कदर बढ़ाया कि आम आदमी, गरीब आदमी को तो बिजली को अपना दुश्मन समझने लगा, फिर आपने चुनाव के आते आते आपने उसके बिजली के बिल को 100 यूनिट फ्री करा, आपने अरविंद केजरीवाल के ट्रेंड को ट्रेंड माने लगा कि खाली उसी से जीत हो जाती है, तो आपने उसको 100 यूनिट फ्री कर उसको एक राहत देने का जो काम किया उससे पहली बार सबको लगा कि चलो एक गरीब आदमी जो 100 यूनिट बिजली का उपयोग करता है उस 100 यूनिट से उसको तो राहत मिलेगी। लेकिन जब वो 100 यूनिट के साथ साथ उसके साथ के अंदर बेचारे के साथ पिछले बिलों का विद्युत शुल्क का जो पैसा लग के आता था, उसका जो लंबा चौड़ा पैसा जो उसके लग के आने लगा, उसके नाते उसको लगाया कि मेरे साथ क्या हो गया, वो इधर उधर भगता रहा तो सबको पता चला कि तो पिछला जुड़ा हुआ है। तो अब जाकर आप लास्ट के अंदर उसको भी कम कर दो तो जनता का समझती नहीं है कि आप लास्ट के अंदर इन सब चीज़ों को कहाँ लेकर जा रहे हैं।
और आने वाले चुनाव के अंदर जनता ने गलती से आपको दोबारा मौका दे दिया, तो मेरे ख्याल से जो आज जितनी छूट आप दे रहे हो इसे दुगना वसूल करने का भी प्रयास करूंगी। मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि सरकार चलाओ, लेकिन सरकार चलाने के साथ साथ हर चीज का राजनीतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे को राजनीतिक उद्देश्य के साथ साथ हम जिस प्रदेश के या जिस देश के नागरिक हैं, जिस देश के बाद में जिस प्रदेश में हमको जनता ने सेवा करने का मौका दिया, उस जनता की सेवा में हम उस प्रदेश का इतना खराब नहीं करना आर्थिक स्थिति से कि आने वाले समय के अंदर उस जनता को बहुत उत्पीड़न खाली आर्थिक स्थिति से भुगतना पड़े। इसलिए राजस्थान के हितों को भी कहीं ध्यान रखकर इन आर्थिक योजनाओं के आधार के ऊपर खेलना चाहिए। आज रोज हम अखबार के अंदर विज्ञापन देखते हैं, जयपुर के किसी रोड के ऊपर आप चले जाओ, मैं समझता हूँ ऐसा कोई सा पोल, बिजली का पोल खाली नहीं जाएगा, ऐसा कोई होर्डिंग की साइड खाली नहीं जाएगी जिसके ऊपर अशोक जी गहलोत का हमको चित्र नहीं दिखता। और इन सब चीज़ों का अगर हम कैलकुलेट करें तो मैं समझता हूँ पता नहीं कितना बड़ा बजट होगा। इस बजट को आप किसी गरीब के उत्थान में लगाते तो वो तो वैसे भी बेचारा आपको वोट देता अगर आप उसका उत्थान ही कर दिए होते। तो इन होर्डिंगों के माध्यम से अगर वोट मिलते हैं तो ये गलत मुकाबला है, और आपकी योजना से अगर जनता को राहत ही मिल रही है तो फिर उनका प्रचार प्रसार करने की जरूरत क्या है। अगर मुझे किसी चीज़ से राहत मिली है तो वो मुझे इसे पढ़कर थोड़ी ना समझ आ रही है, वो तो मुझे राहत मिली है तो मेरे को पता है कि मुझे राहत मिली है, तो उस राहत के बदले मुझे क्या करना है ये भी मुझे पता है। इसलिए उन होल्डिंगों के माध्यम से आप समझो कि रोज़ की फोटो दिखाकर मैं वोट ले लूँगा ये भी कहीं से होने वाला नहीं है। रही पार्टी की तैयारी की बात आपने जो मुझसे पूछी, मैं बता दूँ भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अमित शाह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोल फ्री के आधार वो मिस्ड कॉल के आधार के ऊपर मेंबरशिप चली। उस समय जयपुर शहर का अध्यक्ष था तो जयपुर शहर में मेरे को एक बार वसुंधरा राजे जी ने बड़ी मीटिंग में कहा कि जयपुर में कितने लाख मेंबर बन सकते हैं। मैंने कहा लाख, एक बड़ा आश्चर्य अचंभित क्वेश्चन था। तो मैंने कहा मैम 2 लाख बनाएंगे, तो नहीं उन्होंने कहा नहीं उनको 5 लाख मेंबर बनाने। तो मुझे जयपुर शहर के कार्यकर्ताओं पर गर्व है कि वो जितना टाइम पीरियड का सदस्यता अभियान था उस दौरान जयपुर में 7.5 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। उसके आधार पर पूरा दृश्य पूरे हिंदुस्तान के अंदर आया, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी। अब धीरे धीरे जब पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी है तो पहली बार कोई राजनीतिक दल है जिसने अपने पास नीचे तक जाकर जो मतदाता सूची का पन्ना होता है उस पन्ने का पन्ना प्रमुख भी बनाया है, उस पन्ना प्रमुख के ऊपर बूथ है उस बूथ का अध्यक्ष भी बनाया है, उस बूथ अध्यक्ष के साथ 21 सदस्य की टोली भी बनाई है, उसके ऊपर मंडल जाकर मंडल की भी टोली बनाई है और उस मंडल के ऊपर जाकर जिले की भी टोली बनाई है। इसलिए कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा संगठनात्मक ढांचा भारतीय जनता पार्टी के पास है जिसके माध्यम से इस सरकार की कमियों को, इस सरकार की खामियों को हम जनता के बीच में लेके गए। केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के स्वर्णिम 5 साल जो अभी निकले, जो पिछले 5 साल निकले, अभी 4.5 साल निकले, ये स्वर्णिम 9.5 साल भी हम जनता के बीच में लेके गए और जनता के बीच के अंदर वसुंधरा जी के राज के पिछले 5 साल के कार्यों को भी हम लेके गए। तो जनता के बीच में तुलनात्मक करने के लिए कार्यकालों का बहुत अच्छा अनुभव जनता के पास में भी है। मैं समझता हूँ जनता ने उस अनुभव को समझा भी है। और आप पूरे राजस्थान के अंदर भी घूमेंगे तो भी मैं समझता हूँ निष्पक्ष रूप से अगर आप कहीं देखेंगे तो पूरी वेव आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आएगी। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि चाहे ABP का सर्वे आया, सी वोटर का सर्वे आया, NDTV का सर्वे आया और आज तक का सर्वे आया, चारों पांचों सर्वे जितने राजस्थान को लेकर आज तक हुए हैं सारे के सारे सर्वे बताते हैं कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसलिए इसमें कोई अतिशोक्ति भी नहीं है और जनता को भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र जी मोदी पर भी पूर्ण विश्वास है और उनके माध्यम से उनके विश्वास पर राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। तो सर जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में इतना हमें मतलब इतना जनता को भी मुझे नहीं लगता कि आइडिया होगा कि इतने सारे कैंप चले हैं, लेकिन अब इलेक्शन जैसे जैसे धीरे धीरे पास में आ रहे हैं धीरे धीरे हमें खुद मतलब हमें नहीं बोलूंगी हम जनता के बिहाफ में मैं बोलूंगी जनता को खुद अब पता चल रहा है कि इतने सारे कैंप चलाए गए कांग्रेस के द्वारा, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कैंप कांग्रेस के द्वारा तो कौन से चले, कांग्रेस की सरकार के द्वारा कैंप चले, कांग्रेस की सरकार के जो भी कैंप चले उन कैंप के आधार के ऊपर तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि उन कैंपों के अंदर नया क्या मिला पब्लिक को नया कुछ नहीं मिला। 100 यूनिट बिजली, उस 100 यूनिट बिजली के एवज के अंदर आपने उसका विद्युत शुल्क के नाते कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया वो सब उस कैंप के माध्यम से हो तो गया। चिरंजीवी बीमा आपने पिछले साल भी किया था, उससे बिफोर ईयर भी किया था, इसी बार चिरंजीवी बीमा का रजिस्ट्रेशन क्यों? आप जनता को देना भी चाहते हो और जनता के ऊपर एहसान देना चाहते हो कि हम दे रहे हैं, हम कौन होते हैं? सरकार है, सरकार का पैसा आपका और हमारा सबका पैसा है, वो किसी कांग्रेस का पैसा नहीं, किसी और का पैसा नहीं। इसलिए अगर आपने जनता को जनता के हित के काम के लिए करने के लिए कहा है तो उस जनता के ऊपर ये एहसान नहीं जताना चाहिए कि आपने आकर यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो गया, अशोक गहलोत जी की फोटो आपको मिल गई, एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो वो सर्टिफिकेट आप लिए घूमो। तो ये मैं समझता हूँ एक जनता के ऊपर एक
जबरदस्ती का थोपने का काम था, जिसको जनता ने बेखूबी समझा भी है। हो सकता है बेचारे कुछ लोग जो परेशान हर तरीके से होते हैं, आर्थिक दृष्टि से जो परेशान होते हैं, सरकार कुछ भी राहत दिखाती है, उसको लगता है मुझे राहत मिलनी है तो जाता है, लेकिन उसके साथ छलावा होता है तो उसका परिणाम बाद में और पलट के खराब ही आता है। सर, हाल ही में हमें अभी ये चीज आई है कि अशोक गहलोत मोबाइल स्मार्टफोन्स बांटने लगे महिलाओं में, वही महिलाओं में एवं जो लड़कियां अभी 12वीं पास कर रही हैं या अभी 12वीं में आई हैं, उन सबको स्मार्टफोन मतलब बांटने लगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हिंदू राजस्थान के अंदर जिस भी महिला के पास में जन आधार कार्ड बन गया उसको हर एक को मोबाइल देंगे। अब आप कहते हो पहले 40 लाख को देंगे, दूसरी के अंदर 80 लाख को देंगे। आप 40 लाख 80 लाख तो करो, लेकिन आप जिस प्रकार का मोबाइल दे रहे हो और जिस प्रकार मोबाइल की योजना आपने बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे राजस्थान की जनता के, राजस्थान की महिलाओं के पास में ये मोबाइल पहुंच भी पाएगा। और मोबाइल देने से क्या होगा, मोबाइल तो आज भी सब बच्चों के पास में, सब एक के पास के अंदर है। बिना मोबाइल के बच्चा आज न तो शिक्षा कर पा रहा, न और कुछ कर पा रहा, तो उसके पास कुछ नया तो नहीं है। लेकिन आप नया देकर, नया देने का प्रयास कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप भी बिरला ऑडिटोरियम, अगर और चैनल वालों के साथ में आप भी गई होंगी, तो मैंने और कई बच्चियों के इंटरव्यू वहाँ पर, जब पहले दिन अशोक जी गहलोत ने अपने मोबाइल सेट वहाँ बच्चियों को दिए, बच्चियाँ ऑडिटोरियम से बाहर निकल रही थी, तो कई चैनल वाले उनका इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने कई चैनलों का इंटरव्यू देखा, तो बच्चियों से पूछा कि आपको मोबाइल मिला, आपको कैसा लगा, सबने कहा अच्छा लग रहा है, वोट किसको दूंगी, तो सबका कहना था वोट तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे। तो इन मोबाइल से या इन बिजली के बिलों से वोट का कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ कि समझ आनी चाहिए। आज की जनता काफ़ी समझदार है, वो समझती है कि आने वाला भविष्य मेरा किसके हाथ में सुरक्षित है, आज का समय नहीं, आने वाला भविष्य किसके पास सुरक्षित है, तो सुरक्षित उसको भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लगता है, तो निश्चित रूप से वोट तो वहीं जाएगा। सर, कांग्रेस ने अब तक अपनी चुनाव गठित समिति कर चुकी है, भाजपा का क्या कदम है आगे? देखिए, चुनाव समिति से इतना ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव समिति गठित करके कांग्रेस आगे निकल जाए, ये तो केवल एक मुगालता है। वही कांग्रेस जो मैंने आपको पिछली बार भी कहा कि नकारा निकम्मा कहने में जिसके 4 साल आपस में निकल गए, उनको अपने आपस के अंदर बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और उस प्लेटफॉर्म के नाते जनता के साथ धोखा करना था कि हम सब एक हैं। लेकिन राजस्थान की जनता बोलती नहीं कि 4 साल में आपने आपस में क्या कहा। अरे कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बात, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि बूथ से लेकर ऊपर जिले तक एक संगठनात्मक ढांचा हमारा बहुत मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतिम निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास होता है। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड अपने आप में इतना सक्षम है कि जब जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो राजस्थान के अंदर कौन चुनाव समिति होगी, कौन के माध्यम से कैसा चुनाव होगा, किस चेहरे का कहाँ उपयोग होना है, उसके नाते भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। अब तैयार होकर उसको खाली पब्लिश कर कर अगर काम करना हो, तो वो पब्लिश वो करे जिनके बारे में भारमक, जिनके बारे में विचारधारा फैल गई हो कि ये तो एक जगह बैठ ही नहीं सकती, उनको दिखाने के लिए जल्दी हो सकती है। चुनाव का पूरा 3 महीना अभी बाकी है, अधिसूचना लगना बाकी है। अधिसूचना लगने के पहले चुनाव समिति बनाने का कोई बहुत बड़ा औचित्य तो होता नहीं, चुनाव समिति का काम उस आचार संहिता के बाद ही आएगा, इसलिए चुनाव समिति को बहुत बड़ा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और एकजुटता के आधार पर चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। सर, फिलहाल अब बस 3 महीने बाकी हैं, तो उसमें आप लोगों की और क्या क्या प्रक्रिया बाकी है? देखिए, 3 महीने बाकी हैं, हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी बन गए आदरणीय प्रहलाद जी जोशी, लोकसभा परसों खत्म हुई है, 2 दिन से आपने देखा लगातार प्रहलाद जी जोशी राजस्थान के अंदर कैंप कर रहे हैं। अरुण सिंह जी हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, वो लगातार राजस्थान कैंप कर रहे हैं। राहटगढ़ में जो हमारी सह प्रभारी हैं, वो राजस्थान लगातार कैंप कर रही हैं। प्रत्येक दिन इन तीनों चारों में से भारतीय जनता पार्टी के नाते नेता प्रतिपक्ष, जिला प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, सब किसी न किसी विधानसभा में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कैंप करता है। और कैंप करता है तो कल भी हमारे जयपुर के अंदर 2 बूथ अध्यक्ष बूथ प्रभारियों के सम्मेलन हुए, आज भी 2 विधानसभाओं के होने वाले हैं। ये जयपुर का मैं आपको बोल रहा हूँ, जो पूरे राजस्थान के अंदर ये प्रक्रिया चालू है, जिसके आधार पर चुनाव पर जाना, नीचे की जो टीम जो चुनाव पर जाके लड़ेगी, जो बूथ पर जाके लड़ेगी, उस टीम को मजबूत करने का काम हमारे पूरे राजस्थान की, प्रदेश की, जो केंद्र की जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिनके नाते चुनाव के नाते यहाँ लगे हैं, वो सब इस काम में लगे हैं। जब ये काम मजबूती से पूरा हो जाएगा, तो चुनाव समिति का तो काम मैं समझता हूँ 10-15 दिन का भी बहुत होता है, उसको तो उम्मीदवारों का चयन करना है, तो उम्मीदवार का चयन नीचे से आना है, तो नीचे का कार्यकर्ता जब इतना मजबूत है, तो उस अपनी आवाज़ में उस उम्मीदवार का भी नाम लेता है कि हमारे यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इसलिए चुनाव समिति को बहुत बड़ा विषय नहीं है। सर, आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? लोगों तक मैं तो ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि लगातार 9 साल तक आपने नरेंद्र जी मोदी को केंद्र के अंदर राज करते देखा है, इस देश की एकता और अखंडता कैसे अक्षुण रखी जा सकती है,
इस देश को कैसे देश को वापस परम वैभव के ऊपर कैसे पहुंचाया जा सकता है, कैसे देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, वो सारे काम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के हाथ हुए। समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसका उत्थान किन योजनाओं के माध्यम से हो सकता है, वो सारे काम भी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से हुए। धारा 370 जैसा ज्वलंत विषय जो देश को खंड करता था, देश को अक्षुण रखने के लिए धारा 370 भी समाप्त हुई और लोकसभा में पता नहीं कितने सैकड़ों बिल देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए उनके माध्यम से पास हुए। तो देश की जनता समझती है कि पूरे विश्व में किसके माध्यम से हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, किनके हाथों में हमारा देश सुरक्षित है, किसके हाथों में हमारा देश वापस विश्व गुरु बनने वाला है। उस नेता के नाते, उस नेता पर विश्वास कर देश की जनता जैसे भारतीय जनता पार्टी विश्वास कर रही है, ये विश्वास और मजबूती से लगातार आगे बढ़ेगा और वापस राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ अधिक से अधिक भूभाग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने का जनता उसको मौका देगी। सर, हाल ही में अशोक गहलोत ने ओबीसी को लेकर एक नई सूचना जारी की है, उसके लिए उस पे जनता का क्या प्रभाव पड़ा, जनता पर क्या प्रभाव पड़ा उस पे? मैं क्या कह रहा हूँ, लगातार जितनी घोषणाएं होती हैं वो जनता के साथ धोखा है। आज अशोक जी गहलोत ने आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की। अगर ये 21% से 27% आपको करना था तो जिस दिन आपकी सरकार आज से 5 साल पहले बनी थी उस दिन अगर आपने घोषणा करके इसकी क्रियान्वित्ति के लिए जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी उस पूरी कानूनी प्रक्रिया को अपना कर इसको धरातल पर 27% ला दिए होते तो मैं समझता हूँ कि ओबीसी वर्ग के साथ के अंदर एक विश्वास होता। अभी आपने ओबीसी के साथ में एक धोखा किया कि आपने घोषणा तो की है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की और कानून के आधार के ऊपर आरक्षण की जो लाइनें हैं, गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार के ऊपर आप 21 से 27 उसको लेके जा ही नहीं सकते। जब आप 21 से 27 तक उसको लेके नहीं जा सकते उसके नाते आप कमेटी गठित कर रहे हो, कमेटी की रिपोर्ट क्या आनी है, रिपोर्ट ये आनी है कि साहब इसको 21 से 27 के ऊपर हम इन कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं ले जा सकते। तो जनता के बीच में ये कहना कि मैंने 27% कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसने उसको 27% नहीं किया, तो ये तक बोलने के लिए आने वाली सरकार को दोषारोपित करने के लिए घोषणाएं हैं, इनका धरातल के ऊपर कोई आधार नहीं है। जिस वर्ग के लिए घोषणाएं की गई है वो वर्ग भी आज समझदार है, जिस वर्ग को मिलना वो वर्ग कुछ ज्यादा समझता है कि मुझे क्या मिलना है, उसको भी पता है कि मेरे साथ 21 की जगह 27 बोल के मेरे साथ धोखा दिया जा रहा है, इसलिए धोखा दिया जा रहा है तो जनता भी धोखा देने के लिए तैयार है। तो आज हमारे साथ एक भाजपा से पूर्व अध्यक्ष संजय जैन जी, जिन्होंने हमारे साथ आने वाले चुनाव को लेकर चर्चाएं की है। धन्यवाद।